सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उत्तराखंड रुड़की से सालू किशोर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और रोज मैं व्लॉग बड़ा नहीं डाल पाती क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसे एडिट करने में, और मुस्कान थी तो वो कर देती थी मुस्कान है नहीं तो मुझे ही करना पड़ता है। पहले तो मुझे आता नहीं था, तो अब जब ज़रूरत पड़ी तो मैंने सीखा और मुस्कान से सीखा। और यहाँ मुझे चावल साफ़ करना था तो मुझे छन्नी चाहिए थी, और ये जो बीज है ना अम्मा ने धुल के रख रखा मेरे लिए खाने के लिए। और आज मैं बना रही करेला, चावल और दाल, और थोड़ी थोड़ी देर में घर में घूम भी लेती हूँ तो पार्लर में भी आ जाती हूँ। अगर कोई कस्टमर आ गया तब भी आना पड़ता है पार्लर में, नहीं वैसे भी आ जाती हूँ और बाहर का नज़ारा भी देख लेती हूँ। धूप बहुत तेज है और अब धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ने लगी है। और इधर जो पार्लर का ये दरवाज़ा है ना, मैं बंद करके रखती हूँ, पहले भी बताया था, इसे बंद कर देती हूँ तो जो सीधी हवा ना खिड़की से बिल्कुल मेरे जो रसोई है ना, रसोई में आती है वो हवा। और दिखाती हूँ मैं बाहर भी, तो यहाँ से भी जैसे खड़े हो जाओ तो दिखता रहता है, आते जाते लोग दिखते रहते हैं। आंगन में मैंने कुर्सी डाल रखी, वहाँ बैठ जाती हूँ तो बिल्कुल सामने से दिखता रहता है। और बाहर देखिए बहुत तेज़ धूप हो रही, और बहुत जैसे धूप निकलती है ना तो बाहर सूना सूना सा लगता है। और ठंड में जैसे सर्दी होती है तो लोग बाहर होते हैं, जब धूप निकलती लोग बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं, वो अच्छा लगता है। और बाहर से देखते हुए फिर मैं आ गई रसोई में, फिर लग गई अपने काम में। इधर करेला लाल हो रहा था, मैंने सोचा प्याज भी काट लूँ, तो प्याज छील के और काटने लगी। और ये जो छिलका है ना मैं फेंकती नहीं हूँ, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ तो मैं आप सभी को ज़रूर दिखाऊँगी। और ये करेला लाल हो चुका है, तो जब ये करेला लाल हो जाएगा, और मैंने सोचा चलो भाई दाल चावल भी धुल के भिगो के ही बनाती हूँ, तो मैंने चावल भी धुल लिया। और ये पानी देखिए मैं फेंकती नहीं हूँ, इस पानी को मैं इकट्ठा करती हूँ और पौधों में डालती हूँ, चाहे नीचे यहाँ बाहर जो पौधा रखा उसमें, और चाहे छत पर ले जाती हूँ और छज्जे पर भी है वहाँ भी डाल देती हूँ। तो इस तरह बदल बदल के मतलब डालती रहती हूँ, कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरह करके। और मैंने दाल चढ़ा दिया है और प्याज काटने लगी हूँ, क्योंकि करेला लाल हो गया है तो प्याज ही मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, और प्याज भी लाल हो रहा धीरे धीरे। और जो मैंने दाल डाला ना उसमें उबाल आ गया, तो जो झाग बनता है ना दाल का उसे निकाल देना चाहिए, और मैं हमेशा निकाल ही देती हूँ। मतलब जब से मुझे पता चला, मतलब ज्ञान कहीं से मिलता है तभी हम ज्ञानी तो होते नहीं, पैदाइशी ज्ञानी नहीं होते हैं, वह कहीं से मिला ज्ञान तो उसका यूज़ तो करना चाहिए अच्छी बातों का। और ये अम्मा लाई है हींग, और देखिए कितने उससे पैकिंग है इसकी, ये देखिए। और उसे दाल में डालना था हींग, तो मैंने नया डब्बा खोला ये हींग का, और खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ खुशबू है। मगर कहते हैं, मैंने पहले से सुना कि हींग को सूंघते नहीं हैं, मगर क्या हुआ मैंने सूंघ लिया और सब कुछ निपटा के और मैं आ गई छत पर। मौसम बहुत अच्छा है, यानी धूप जो थी वो ख़त्म हो गई है, शाम भी हो गई तो धूप ख़त्म भी हो गई, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा, बिल्कुल जैसे कहते हैं बारिश होने वाला हो। और हवा भी चल रही तो छत पर आ गई, जो कि मैं डेली आती हूँ, और पौधों में पानी भी डालना रहता और पौधों से मुलाकात भी करनी रहती है। तो सूरज देवता इस तरफ डूब गए हैं, देखिए उधर लालिमा दिख रही है, अगर आप सभी को दिख रहा हो तो लालिमा है उधर, सूरज देवता डूब गए हैं। और ये है मेरा इसका क्या कहते हैं मधुमालती का बेल, और ये है करेले का, और इसमें छोटे छोटे करेले आने लगे हैं। और ये मैंने कपड़ा बांधा था, आप सभी को दिखाया था, तो ये बांधा है कि ये जो बेल है इसी पे चढ़ जाएगा, और देखो चढ़ता है कि नहीं, अगर चढ़ जाएगा तो दिखाऊंगी आप सभी को कितना घना होगा। और अभी फ़िलहाल इसमें गई थी छत पर दोबारा से, तो दो करेला निकला हुआ है, थोड़ा बड़ा हो गया है। और यहाँ मैंने बना रखा लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो इसे पौधों में डालना है, तो इसे अंदर कमरे में रख रखा था ढक के, और इसे ले आई हूँ बाहर। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मतलब
वो तुरंत जड़ों तक पहुंचता है। और जैसे हम सूखा भी डालते हैं, सूखा लिए जैसे कि घर के बने हुए जो वेस्ट निकलता है रसोई वसोई से, तो उसका भी बनाती हूँ। तो मैंने इसे छान लिया है, और छान के ना ये जो निकलेगा कचरा जो ये ऊपर निकला है, तो इसे तो मैं डाल दूंगी जो वेस्ट में खाद बनाती हूँ, और बाकी उसमें पानी मिक्स करके सारे पौधों में डालूंगी। और बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ये, और ये मैंने उतारा अपना, और वो मैं इसमें खाद डाल दूंगी। आ गई मैं नीचे, और नीचे आके फिर क्या है, काम ही है, खाना बनाना है। तो कोई सब्जी वैसी नहीं थी, तो रखा था सोयाबीन, तो मैंने बनाया सोयाबीन आलू, और बहुत मन लगा के बनाया, मतलब सोच रही थी खूब अच्छा टेस्ट आया, और आया भी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बना। और करेला भी दिखा दूंगी आप सभी को, दाल भी बना रखा, और ये करेला, करेला भी बहुत अच्छा बना है। और करेले में थोड़ा सा चीनी डाल दो ना, तो मिठास आ जाती है। चावल भी बना रखा, और यहाँ मैंने सलाद काट के रख दिया है, और पपीता भी काट के रख दिया है, प्याज भी काट के रख दिया, रोटी भी सेक ली है। तो आप सभी को दिख ही रहा, सारा खाना बनके तैयार है, और आप सभी को राधे राधे।